कोई पहली बार नहीं हुई है। अगर आपको याद हो, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, उन्होंने प्रशासन और सरकार का साथ लेकर के पहले तो झूठे मुकदमे लगवाए और कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर प्रशासन ने और शासन ने मिलकर के समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता ली है। आप याद कीजिए, मोहम्मद आजम खान साहब, उनकी सदस्यता गई, उनके बेटे अब्दुल्ला, उनकी सदस्यता गई। इसी तरह समाजवादी पार्टी के जो सिटिंग MLAs हैं, उन पर केस लगाना, इरफान सोलंकी कानपुर, और एक अधिकारी बुलाया गया, बाहर से लाया गया, दूसरे प्रदेश के कैडर के अधिकारी को बुला करके ये निर्देश दिए शासन ने और सरकार ने कि आपको इसकी सदस्यता लेनी है। अभी दो दिन पहले, अगर आपको याद हो, विधायक इरफान ने खुद कहा कि ये मेरी सदस्यता लेना चाहते हैं, इसकी वजह से अन्याय कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों की सदस्यता इन्होंने, बीजेपी के लोगों ने ली है। आज कांग्रेस के पार्टी के सबसे बड़े नेता की सदस्यता गई है। और अगर हम इसी तरह देखेंगे, अगर ऐसे मुकदमे देखेंगे, तो बीजेपी वालों की तो कईयों की सदस्यता नहीं बचेगी। जो भाषा या जिस तरह के उनके स्टेटमेंट्स हैं, अगर उन पर सच्ची कार्रवाई हो जाए तो बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की भी सदस्यता चली जाएगी। ये जानबूझ करके जो असली मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, और इनके ही मित्र उद्योगपति जिन्होंने पैसा भारत का डुबाया है, उन पर ये बहस नहीं करना चाह रहे, उनसे ध्यान हटाने के लिए ये कांग्रेस पार्टी के नेता के साथ हुआ है, समाजवादियों के साथ पहले हो चुका है। लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र के कोई उसूलों का ना परवाह है, ना उसका सम्मान है, और वो लोग कुछ भी अपनी बात करने के लिए कुछ भी मोड़ तोड़कर कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा सकते हैं। आपको लग रहा है क्या ये असंवैधानिक तरीके से इनको कर रहे हैं? उनके लॉयर्स भी अपील कर रहे हैं। आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ है कि डेफिमेशन नोटिस पे, डेफिमेशन केस में 2 साल की सजा सुना दी जाए। तो एक तो पहले जिस तरीके से सजा सुनाई गई, उस पर स्टे नहीं लाया गया, हायर कोर्ट पे अप्रोच करने का समय है, उससे पहले ही आपने डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक है। एंड आई थिंक ये जो ये परंपरा रही है देश के प्रजातंत्र की, कि जब भारतीय जनता पार्टी के पास 2 MPs थे तभी भी उनको पूरा सम्मान विपक्ष का मिलता था, पर आप लोग उसको आए दिन कुचल रहे हैं, लोगों की आवाज बंद करने का काम कर रहे हैं। बेहद ही शर्मनाक है और दुखद दिन है प्रजातंत्र के लिए। आज हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।